channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम नाम रखने वाली बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और तकरीबन चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुकी मायावती ने अब जो है भारत रत्न की मांग कांसीराम को लेकर कर दिया है। जी हाँ, बात करें तो अब मायावती ने कांसीराम के लिए भारत रत्न की मांग की है। क्यों मांग की है, क्या कुछ बोला है, इसकी पूरी जानकारी आपको बताता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो आपको पता होगा कि दो नामों की घोषणा होती है भारत रत्न के लिए, जिसमें एक नाम होता है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर के, तो दूसरा नाम आता है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके एलके आडवाणी की। दो लोगों का नाम का घोषणा किया जाता है। इसके अलावा एक बार फिर से तीन नाम और भी दोहराए जाते हैं, जिसमें कि नरसिम्हा राव जो कि कांग्रेस नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका नाम जो है भारत रत्न के लिए चुना जाता है। इसके अलावा MS स्वामीनाथन जो कि किसानों के लिए कई सारे नियम लेकर आए थे। इसके अलावा जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह के भी जो है वो किसान के नेता के तौर पर माना जाता है और उनको भी भारत रत्न से सम्मान किया जाता है, जिसके बाद जयंत चौधरी जो है पलटी मारने के कगार पर आ गए हैं। इस कड़ी में अब मोदी जैसे कि आपको बताया, मैंने आपको बताया कि मोदी सरकार ने शुक्रवार को तीन शख्सियतों का नाम भारत रत्न के लिए ऐलान किया था। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और मशहूर वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन शामिल हैं। सरकार के इस ऐलान के बाद अब बहुजन समाज पार्टी की चीफ और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी मांग छेड़ दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को दलितों का उत्थान करने वाले नेता कांसीराम को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मायावती ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा जिन भी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है उसका स्वागत है, लेकिन इस मामले में खासकर दलित हस्तियों का तिरस्कार एवं उपेक्षा करना कतई उचित नहीं है। सरकार इस ओर भी ध्यान जो है वो जरूर दे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंबे इंतजार के बाद BP सिंह की सरकार ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके बाद दलित और उपेक्षितों के मसीहा कांसीराम का इनके हितों में किया गया संघर्ष कोई कम नहीं है। उन्होंने मांग की है कि कांसीराम को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। बाकी जिस तरीके से मायावती ने मांग की है उस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।